सब्सक्राइब करिए मैडोवा केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे स्टार्ट क्लास 10 का एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए, जब कोई भी एलिमेंट कंबाइंड करते हैं तो बनाते कंपाउंड, ठीक है। अब वो कंपाउंड जो है क्या सारे एक ही नेचर के होते होंगे जो हमारी सराउंडिंग्स में मिलते हैं? क्या वो सब एक नेचर के हैं? नहीं, सबका नेचर डिफरेंट होता होगा। नेचर का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है, कि वो खराब है, कि वो पोलाइट है। एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के बारे में हम इस तरह की बात नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के संग वो रिएक्ट करते हैं तो किस तरह की रिएक्शन शो करते हैं, डिफरेंट के संग करते हैं तो वो डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं। तो ये हमारा नेचर से मतलब है। तो ये जो कंपाउंड्स बनते हैं इनको हम टू कैटेगरीज में पढ़ेंगे, एसिड्स एंड बेसिस की कैटेगरी में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो यहाँ पहले हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि किस तरह से बिहेव करते हैं, इनका नेचर क्या होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो एसिड्स की आप देखोगे तो एसिड्स जो हैं वो कंपाउंड्स जो पानी में जब उनको डिसॉल्व करा जाता है तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अभी इनको हम डिटेल में भी समझेंगे, पहले आप इनका नेचर समझ लीजिए। और बेस क्या होते हैं? बेस होते हैं वो कंपाउंड्स जिनको वाटर में मिक्स करने पर OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एसिड्स का नेचर होता है कि दे आर करोसिव, मतलब जलन होती है उनको। अगर हमारे हाथ में गिर जाएगा या हम टच करेंगे तो वो करोसिव होगा, जला देगा, इरिटेशन देगा। बेसिस के केस में भी यही होता है, बेसिस आर आल्सो करोसिव इन नेचर। एसिड्स एक जनरल हमने बना रखा है क्राइटेरिया कि जो भी चीज खाने में खट्टी होगी, अब उसको टेस्ट नहीं करना है हमें हर चीज को, क्योंकि हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, एक नेचर होता है जो उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो सार होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई भी चीज उठा करके टेस्ट करने लगे। देखो, केमिस्ट्री में जो भी हम कंपाउंड्स या एलिमेंट्स पढ़ते हैं कभी भी उनको टेस्ट करके नहीं देखा जाता है। ये सब लेबोरेटरी में चेक होता है, ये आपको नहीं टेस्ट करना होता है। देखिए, आप लेमन खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, खट्टे हैं टेस्ट में। और इसके अलावा आपने कर्ड खाते हो, कर्ड भी खट्टा होता है टेस्ट में, तो उसमें भी एसिड है, ठीक है। और बेस बिटर हम, आप खीरा कभी खाते हो कुकम्बर, तो उसके अंदर आप देखते हो कि वो कड़वा सा निकल जाता है कई बार, तो वो उसमें बेस होता है, ठीक है। तो जो नेचुरल चीजें हैं उनमें हमने इनका टेस्ट ऑब्जर्व करा है। बाकी अभी हम पढ़ेंगे तो मिनरल एसिड्स होते हैं और नेचुरल एसिड, तो नेचुरल एसिड्स के टेस्ट को हम चेक कर सकते हैं, बट मिनरल एसिड्स को या बेसिस को चेक नहीं करा जाता है बाय टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, अब जब आप टेस्ट नहीं कर सकते तो कोई तो आपके पास क्राइटेरिया होगा ना जिससे आप चेक करोगे कि कोई भी जो गिवन कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी लिटमस क्या वाला आ गई, लिटमस क्या हो गया, लिटमस जो है ये लाइचेंस से मिलता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। लाइचेंस, लाइचेंस जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं एल्गी एंड फंगाई। जब एल्गी और फंगाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं तो लाइचेंस, उनको हम कहते हैं लाइचेंस, ठीक है। एल्गी और फंगाई जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, और उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से जो हमको प्लांट का कॉम्बिनेशन मिलता है उनको हम कहते हैं लाइचेंस। इससे हमें पर्पल कलर का एक्सट्रैक्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं लिटमस। तो जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। पर्पल मैं कह रही हूँ और यहाँ पर लिखा है ब्लू, तो वो उसी शेड की कैटेगरी आ जाती है, ठीक है।
अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस जो है ये बिटर इन टेस्ट हो गए, चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। दे आर स्लिपरी टू टच। बेसिस के बारे में एक चीज और है कि अगर इनको हम टच करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात नहीं कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग बेसिस आप करोसिव इन नेचर, उनको टच नहीं करना चाहिए, बट जो वीक बेसिस होते हैं उनको अगर आप टच करोगे तो वो स्लिपरी होंगे। जैसे सोप, सोप में क्या होता है, बेस होता है, जब आप उसको टच करते हो तो क्या होता है, वो स्लिपरी होता है, चिकना सा होता है। अब ये आपको कैसे याद रखना है, इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूं, उसको आपको ध्यान देना है। आवरा का डावरा, ये एक, ये आपने सब फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, आवरा का डावरा। तो आवरा ए एसिड, ब्लू रेड, तो जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। बाकी ये सब सेंटेंस बनाने के लिए, फनी वे में आपको समझाने के लिए मैंने पूरी लाइन लिखी है आवरा का डावरा। अदरवाइज जो हमारे काम का है वो सिर्फ इतना ही है, ए बी आर। आवरा मतलब जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। एक का याद कर लो, बेस का अपने आप ही आपको याद रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन पर कि एसिड्स को हम कितनी कैटेगरीज में, इसका नेचर बिहेवियर एक ही तरह का तो नहीं होगा ना, बहुत सारी कैटेगरीज होंगी इसकी। तो फर्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, कहां से ये एसिड्स हमको मिलते हैं। तो दो जगह से हमको ये एसिड्स मिलते हैं, नेचुरल एसिड जो नेचुरल रिसोर्सेस से मिलते हैं, और मिनरल एसिड जो मिनरल से प्रिपेयर्ड करे जाते हैं, इनको मैनमेड एसिड्स भी कहते हैं। तो दो कैटेगरी हो गई इसकी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, फर्स्ट इज नेचुरल एसिड, सेकंड इज मिनरल एसिड्स। नेचुरल एसिड नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, मिनरल एसिड्स जो है वो प्रिपेयर करे जाते हैं लेबोरेटरी में मिनरल्स की हेल्प से। अब जरा जल्दी से एक नजर हम मारते हैं कि नेचुरल एसिड्स कौन से होते हैं। नेचुरल एसिड्स को बच्चों हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि नेचर में जो प्लांट और एनिमल हैं उनको नेचुरली वो जो ग्रो करते हैं या मिलते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस है, तो उनसे जो भी चीजें मिलती हैं वो हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्म में ही मिलती हैं। तो इसलिए जो नेचुरल एसिड होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहेंगे। अब जल्दी से ये देखेंगे कि किससे हमें कौन सा एसिड मिलता है। जो आंट स्टिंग होती है, चींटी काट लेगी आपको तो थोड़ा सा फूल सा जाता है, तो वो क्यों फूलता है, क्योंकि उसमें होता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड या उसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। सेकेंड लेमन और ऑरेंज, कोई भी खट्टा फ्रूट हो जाएगा उससे सिट्रिक एसिड आपको मिलेगा। टोमेटो स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड, एंड विनेगर मिलता है, विनेगर में आपको मिलता है एसिटिक एसिड। तो ये कुछ एसिड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इसमें से वन मार्क का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जल्दी से हम देखेंगे मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं। अब ये ऑर्गेनिक है, मिनरल्स तो मैनमेड होते हैं, ये तो जो मिनरल्स होते हैं उनसे मिक्स करके बनाया जाता है, तो ये होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, ये होंगे इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो तीन मेन इसमें हम पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ये आप नोट डाउन करते चलिएगा। सेकंड, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, अब यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या जो बेस स्ट्रॉन्ग होंगे वो करोसिव होते हैं, नेचर में प्योर फॉर्म में होते हैं, कंसंट्रेट फॉर्म में होते हैं, वो करोसिव होंगे। लेकिन जो माइल्ड होते हैं, जो नेचुरली हमको मिलते हैं, दे आर वीक एसिड्स। अब जैसे ये है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये सब वीक एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होते तो बहुत ज्यादा हमको हार्म हो सकता था इनसे, लेकिन आप देखो, आप कर्ड भी खाते हो, विनेगर भी खाते हो,
सारी चीजें आपका थोड़ा सा जो आपको परेशानी होती है वो आर्ट टेस्टिंग से होती है, लेकिन वो भी बहुत लंबी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं करोजन हो गया हो आपके, बस थोड़ा सा ये है कि इचिंग होती है, रेडनेस आ जाएगी, उस तरह की चीज होती है, वो भी थोड़े टाइम के लिए होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हम एसिड्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं विच व्हेन मिक्स्ड विद वाटर प्रोड्यूसेस मोर हाइड्रोजन आयन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखने की है कि जब भी हम कैसे चेक करेंगे इनको, जब भी आप एसिड को वाटर में मिक्स करोगे तो वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा। देखिए यहां मैं बना के दिखा रही हूं, जो ये वाटर है, वाटर में आपने किसी भी एसिड को मिला दिया, सपोज करो HCl को मिला दिया, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा प्लस क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है जब ये ज्यादा अमाउंट में होते हैं तो वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और जब ये हाइड्रोजन आयन कम अमाउंट में होंगे तो वो होगा वीक एसिड। जैसे इनको अगर हम मिक्स करेंगे पानी में तो ये कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसको आप जल्दी से पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे का करवा देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद वीक एसिड समझ लेते हैं। वीक एसिड्स कौन से होते हैं, व्हेन मिक्स्ड विद वाटर प्रोड्यूस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। दूसरे टर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्लीटली इनका डिसोसिएशन हो जाता है, और जो वीक एसिड होते हैं उनका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, तो वो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स वाटर में प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे जो है वीक एसिड होते हैं। देखिए इनका नेम आपको स्ट्रॉन्ग के तो आपको याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत कॉमनली आप यूज करते हो, लेबोरेटरी में भी यूज करते हो और पढ़ते आ रहे हो नामों को, लेकिन जो वीक एसिड हैं इनके नेम आपको लर्न करने हैं। अब एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो वीक एसिड है वो कैसे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर के संग जब उनको मिक्स करा जा रहा है। देखिए HCl जब वाटर के संग रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन देगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन है ये सॉल्यूशन में ऐसे अकेले नहीं रह पाते हैं, तो ये वापस वाटर के मॉलिक्यूल के संग रिएक्शन कर लेंगे और ये बनाएंगे हाइड्रोनियम आयन H3O। तो आप बहुत सारी रिएक्शंस में कहीं पर भी एसिड की जगह हाइड्रोनियम आयन लिखा देखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये हाइड्रोजन आयन ही होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये इस स्टेट में रह नहीं सकते हैं तो ये ऐसे कंबाइंड स्टेट में वाटर के साथ रहते हैं, इनको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन्स। इसको आप नोट डाउन करिए। सेकंड हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जब वाटर में मिक्स करेंगे तो ये सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होगा और ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा। अब मैं इसको इस तरह से डिसोसिएट करके नहीं दिखाऊंगी हाइड्रोजन आयन, क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी आप पढ़ रहे होगे तो आप हाइड्रोनियम आयन जो है वो एज अ एसिड ही पढ़ रहे हो या एज अ हाइड्रोजन आयन ही पढ़ रहे हो। तो ये जब H2SO4 का डिसोसिएशन होता है तो HSO4 या सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं इसको, और ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं। ये हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब देखते हैं हम वीक एसिड्स। वीक एसिड में H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड जब वाटर के संग मिक्स होगा तो ये बाइकार्बोनेट आयन देगा और हाइड्रोनियम आयन देगा, एंड दिस इज इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। यहां पर हम बोलते हैं कि ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है क्योंकि हाइड्रोजन आयन्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए ये वीक एसिड है। ऐसे हम बात करेंगे एसिटिक एसिड की, ये भी वाटर के संग जब मिक्स होगा तो ये एसिटेट आयन्स देगा और हाइड्रोनियम आयन देगा, ये भी इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा। यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड जब वाटर के संग मिक्स होगा तो डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन देगा और ये यहाँ पर ये आयन होंगे,
और जो है ये हाइड्रोनियम आयंस देगा। ये तीन जो आप पढ़ रहे हो, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये जो है वीक एसिड्स हैं। ये वाटर के संग जब मिक्स करेंगे तो इनका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा और ये लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। अब हम आ जाते हैं, अब हमने नेचर सारा पढ़ लिया है एसिड्स का, पहले हम एसिड्स की ही पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बेसिस पर जाएंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम एसिड्स की देखते हैं तो पहले आप देखते हैं मेटल्स के संग क्या रिएक्शन ये शो करते हैं। ये इसकी स्केलेटन रिएक्शन है, ये आपको ध्यान रखनी है। एसिड जब मेटल के संग रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट बनाते हैं एंड वाटर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब अगर आपको ये याद है तो आपको कोई भी मेटल दे दिया जाएगा, आप उसके संग रिएक्शन लिख सकते हो, लेकिन आपको उस मेटल का सिंबल पता होना जरूरी है और ये पता होना जरूरी है कि वो मेटल है, ठीक है। तो एसिड जब मेटल्स के संग रिएक्शन करेंगे तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अब यहाँ डिफरेंट एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक मेटल के संग रिएक्शन करता है तो ZnCl2 बनाता है और ये हाइड्रोजन गैस बनती है। HNO3 नाइट्रिक एसिड जिंक के संग रिएक्शन करेगा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस। सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के संग रिएक्शन करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। एसिटिक एसिड जब जिंक के संग रिएक्शन करेगा तो ये जिंक एसिटेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये तो हो गई जो जनरल रिएक्शंस होती है। अब क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि जब HCl या कोई भी एसिड कॉपर के संग रिएक्शन कर रहा है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती, जबकि कॉपर मेटल होता है तब भी कोई रिएक्शन नहीं होती, क्यों नहीं होती। अब यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी। इससे रिएक्टिविटी सीरीज पर मेरी वीडियो एक अपलोड करी हुई है मैंने, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आती है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं तो जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे उठता है, ठीक है। तो जो वो वीकर हो गया तो वो अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। कॉपर जो है मोस्ट इन रिएक्टिव मेटल होता है, क्योंकि बिल्कुल नीचे है, बाकी सब इससे ऊपर होते हैं, तो ये इन रिएक्टिव होता है। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, तो ये सब इन रिएक्टिव में आते हैं। तो इस तरह से अब ये जो सॉल्ट है, देखिए ये सॉल्ट बन रहा है, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, जिंक एसिटेट, ये सब सॉल्ट्स बन रहे हैं। सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट वो होता है जिसमें एक एनायन होगा और एक कैटायन होगा, उसको हम कहते हैं सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट हुआ जिसमें एक एनायन और एक कैटायन। अब इसमें आप देख लो, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन, ये एनायन, ये एनायन, ये कैटायन। तो जब भी सॉल्ट की आप बात करोगे तो सॉल्ट में एक एनायन और एक कैटायन जरूर होता है, उसी को हम सॉल्ट कहते हैं। अब कैसे टेस्ट करेंगे, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम में कि आप कैसे टेस्ट करोगे कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो इसके लिए होता है पॉप टेस्ट। जब भी आप जिस टेस्ट ट्यूब में आप ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है, उसको कैसे देखेंगे कि उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर आप एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर के आएंगे। When a burning candle is brought near a test tube containing hydrogen gas, it burns with pop sound. या तो आप कैंडल ले आओ या कोई मैच स्टिक जलती हुई लेकर के आएंगे तो वो एकदम पॉप की साउंड करके जलेगी, तो उसको हम कहते हैं, क्योंकि पॉप साउंड ही ऐसी होती है पॉप करके, तो वो उससे पता चल जाता है कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो ये प्रूफ कर रहा है कि जब भी रिएक्शन होती है एसिड्स की मेटल्स के संग तो वो पॉप साउंड के संग बर्न करती है या जलती है गैस। तो अब हमने मेटल्स के संग देख लिए हैं, तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। एसिड की मेटल्स के संग रिएक्शन हो चुकी है, अब कार्बोनेट्स के संग देखेंगे और बाइकार्बोनेट्स के संग देखेंगे। तो इसकी भी जो जनरल
इक्वेशन होती है वो होती है मेटल जब एसिड जब मेटल कार्बोनेट्स के संग रिएक्शन करते हैं तो इसमें भी सॉल्ट फॉर्म होता है, और ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, नोटर निकलता है। अब यहाँ पर अगर एसिड मेटल बाइकार्बोनेट्स के संग रिएक्शन करते हैं तो भी सेम होता है, सॉल्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी एंड वाटर यहाँ से लिक्विड फॉर्म में रिलीज होगा। ये गैस का निशान होता है, जब ऊपर की साइड अपवर्ड एरो होता है तो इट मीन्स ये गैसियस स्टेट शो कर रहा है, और जब डाउनवर्ड होता है तो इट मीन्स वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। अब जरा रिएक्शन देख लेते हैं। HCl की कैल्शियम कार्बोनेट के संग रिएक्शन हो रही है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सॉल्ट क्यों है, मैंने अभी आपको समझाया कि पॉजिटिव चार्ज होगा, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, तो वो मिलके सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही HCl जब सोडियम कार्बोनेट के संग रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। अब यहां पर आप ये ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन लिखना बहुत इजी हो जाएगा, अगर कहीं पर भी कार्बोनेट आ रहा है तो अगर वो ब्रेक होगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, चाहे वो कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो नोटिस कर लेनी चाहिए और नोट डाउन करनी चाहिए अपने पास। अब ऐसे ही HCl जब सोडियम बाइकार्बोनेट के संग रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर भी NaCl सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। HCl जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट के संग रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। तो इन चारों रिएक्शन में आपने देख लिया कि जो भी मेटल कार्बोनेट होंगे या मेटल बाइकार्बोनेट होंगे, कार्बोनेट अगर आ रहा है तो वो आफ्टर रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। अब हम कैसे चेक करेंगे, अब आता है क्वेश्चन जो CBSE में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, हाउ विल यू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसके लिए हम करते हैं लाइम वाटर टेस्ट, यह है लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है। ऑन पासिंग द इवॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको जब आप लाइम वाटर के थ्रू पास करोगे तो ये लाइम वाटर जो है पहले ट्रांसपेरेंट होता है, और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके थ्रू पास करते हो तो ये मिल्की हो जाता है। इट शोज कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। रिएक्शन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको अच्छे से याद करना है। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें मिक्स होती है तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट पीपीटी बनता है, इसी की वजह से जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर व्हाइट हो जाएगा और वाटर फॉर्म होता है। अब ये रिएक्शन होती है मेन, लेकिन अगर बाय चांस ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है मिक्सचर में तो क्या होगा, तो ये जो मिक्सचर बन गया है अगर अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती जा रही है तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम कार्बोनेट को, देखो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर जो रिएक्शन में था ये प्रोडक्ट बना था, इसके संग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर के कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल हो जाएगा तो वापस से जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड्स, आज हमने पढ़ लिया एसिड्स। नेक्स्ट जो आपको मैं लेक्चर लूंगी वो हम बेसिस से रिलेटेड पढ़ेंगे, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ, थैंक यू।